पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में आयोजित पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने MIM के शौकत अली पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें और मायावती को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सताने लगा है, इसीलिए ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बारे में अनर्गल भाषणबाजी करने में लगे हुए हैं। लखनऊ और अन्य जनपदों की तरह आज मुरादाबाद के बाईपास स्थित एक बैंकट हॉल में अखिल भारतीय पसमानदा मंच द्वारा एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें आसपास के जनपदों से भी भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे। मंच से इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पसमानदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने पहुंचकर सपा कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों पर मंच से हमला बोला और कहा कि इन सभी दलों ने पसमानदा मुस्लिम को केवल वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया है, लेकिन जब से मोदी सरकार देश में आई है वो सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर मुस्लिमों को भी सभी योजनाओं का लाभ दिला रही है। जावेद मलिक ने मीडिया से बात करते हुए MIM के प्रदेश अध्यक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा है कि उनके हाथ से मुस्लिम छिटक रहा है, इसीलिए ओवैसी और उनके प्रदेश अध्यक्ष बौखला रहे हैं। ये शुरुआत लखनऊ से हुई थी पसमानदा समाज के सम्मेलनों की, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कार्यक्रम में आए थे, उसके बाद रामपुर बरेली और आज मुरादाबाद में कार्यक्रम हुआ है। पसमानदा समाज अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुआ है और ये आगे भी हमारे ऐसे कार्यक्रम अनवरत जारी रहेंगे। और माननीय मोदी जी में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पसमानदा समाज ने अपना भरोसा जताया है और मोदी जी ने भी कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी है पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। राजनीति में भागीदारी की बात हो रही थी अभी अपने मंच से, बोला किस तरह की भागीदारी आप भाजपा से मांगेंगे? देखिए, हमारी मांग ये है कि हमारे सांसद भी हों, हमारे मंत्री भी हों, हमारे चेयरमैन भी हों। पसमानदा समाज का जितना हक बनता है, क्योंकि 90% आबादी देश के अंदर पसमानदा समाज की है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी और जिसकी जितनी भागीदारी के हिसाब से पसमानदा समाज को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आयोग के गठन की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं आरक्षण की बात हो रही है पसमानदा समाज के नाम पर ही, क्या करेंगे, किस तरह का आरक्षण? आरक्षण के विवाद में पसमानदा समाज बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पसमानदा समाज की डिमांड ये है कि उसको मुख्य धारा में लाया जाए, डाइवर्जन जो हो, जो बंटवारा जो हो, वो हिस्सेदारी के अनुरूप से हो। आज के कार्यक्रम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के कार्यक्रम से मैसेज गया है कि पसमानदा समाज पसमानदा नेता के लिए पसमानदाओं के द्वारा इकट्ठा हुआ और यहाँ पर पसमानदा समाज ने अपनी आस्था और अपना विश्वास पसमानदा नेताओं में जताया है। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया है कि मुसलमानों को चुनाव लड़ाया जाएगा और मुसलमान भी पूरे मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। और निकाय चुनाव पर असर ये पड़ेगा कि पिछले विधानसभा में 8% वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार उम्मीद है कि 20% वोटें पसमानदा समाज की, पसमानदा मुसलमानों की, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।